भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की कथा और गाथा नंबर 9th और 10th वग 1 काशाय वस्त्र का अधिकारी। आइए सुनते हैं देवदत्त की कथा स्थान जेठ वन और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। काशाय वस्त्र का अधिकारी देवदत्त की कथा स्थान जेठ वन। भगवान जेठ वन बिहार में थे, सावस्ती में थे। भिक्षुओं के प्रव्रजित करने के बाद उनका आदेश था कि प्रत्येक भिक्षु बुद्ध धर्म और संघ के प्रचार प्रसार हेतु चारिका करता रहे, लोगों के कल्याण में रत रहे, अपनी मुक्ति के मार्ग में रत रहे। उनके ममेरे भाई देवदत्त ने भी प्रवज्ञा ग्रहण की थी। वह भिक्षु बन गया, काताय वस्त्र पहनता था, संघ में उपदेश भी देता था। वह रिद्धिमान बना, अजात शत्रु का मित्र था, अजात शत्रु तथागत का उपासक था। बाण से बिंदे हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार वो भूल नहीं पाया था। भगवान के वृद्ध होने पर उसने कई बार भगवान से निवेदन भी किया था कि भिक्षु संघ की बागडोर तथागत अब उसको दे दे। तथागत का उत्तर था देवदत्त। सारी पुत्र और ललान को भी भिक्षु संघ नहीं दे सकता हूँ, तुझे कैसे सोचू। उसकी इच्छा और बढ़ गई। उसने संघ भेद भी कराया और अलग संघ भी चलाया, परंतु वह चला नहीं। लोगों में उसकी पैठ जमी नहीं। उसने भगवान को मारने का भी कई बार प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसके कृत्य संघ के नियमों के विपरीत थे। अंत समय में वह भगवान के दर्शन का प्यासा बना रहा। रास्ते में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह देवदत्त था जो राजगृह में उपदेश दे रहा था। भिक्षु थे, काशाया चादित भगवा चिवर पहने। सभी उनके काशाय वस्त्र की, भगवा वस्त्र की इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। अपने अंदर के कसाय को, कसाव को, आसव को दूर फेंककर मन को निर्मल करने की वृत्ति में लगे लोगों का आभूषण है यह काशाय वस्त्र, भगवा वस्त्र। तथागत भी भगवा चिवर पहनते थे, भगवा कहलाते थे। उन्होंने अपने वान का, तृष्णा का नाश कर दिया था, खत्म कर दिया था। भगवान का उपदेश था, कोई भी भिक्षु किसी भी तरह का, किसी से भी कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। अगर करेगा तो वह संघ के लिए करेगा, संघ उसे स्वीकार करेगा, संघ ही तय करेगा कि इस भेद का क्या सदुपयोग किया जाए, किसे दिया जाए, किसे ना दिया जाए। ऐसे कई नियम तथागत ने बना रखे थे, विनय के लिए जरूरी थे। सारिपुत्र चारिका पर थे, महा मुगललान भी चारिका पर थे। दोनों राजगृह पहुंचे। देवदत्त भिक्षुओं से घिरा था। लोग भगवान के धर्म की महिमा से अभिभूत थे। राजगृह में लोगों ने उन 1000 भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित किया। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे, इस बात का प्रत्येक ने ख्याल रखा। भोजन दान की इस व्यवस्था में अगर कहीं कमी नजर आ जाए या सामग्री कम पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापक को किसी एक उपासक ने बहुमूल्य कपड़ा दिया और कहा कि अगर व्यवस्था में कुछ कमी रहती दिखे तो इस वस्त्र का उपयोग कर लेना, अन्यथा इसे जिस भिक्षु को आप उपयुक्त समझे उसे दे देना। व्यवस्था माकूल थी, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। उस बहुमूल्य वस्त्र का उपयोग नहीं हो सका, व्यवस्थापक ने उसे किसी भिक्षु को देना उपयुक्त समझा। सारिपुत्र वहां थे, मुगललान वहां थे। वे भिक्षु संघ में वरिष्ठ थे, अनुकरणीय थे, परंतु वे अकस्मात आए थे, कभी कभार आते थे। देवदत्त वहां वास करता था, रिद्धिमान था, प्रमुख था। उपासक ने वह वस्त्र देवदत्त को दे दिया। देवदत्त को बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त हुआ। वह मुदित था, प्रसन्न था, अधीर था। उसने तुरंत उसका चिवर बनाया और पहनकर इधर उधर घूमने लगा। भिक्षुओं ने उसे देखा, लोगों ने उसे देखा। यह विनय का उल्लंघन था। देवदत्त को चिविर की जरूरत नहीं थी, चिवर जरूरतमंद भिक्षु को ही मिलना चाहिए था, चाहे वो भिक्षु ठहरे या सामने, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। विनय का ऐसा ही नियम था। कुछ भिक्षु भगवान का दर्शन करने श्रद्धावत होने सावस्ती गए थे, गए और जाकर एक और बैठ गए। भगवान को सुनते, उपवाणी को सुनते, कुछ अपनी भी सुनाते, कुछ अपने साथियों की भी सुनाते। उनमें से कोई भिक्षु बोल पड़ा, उसने देवदत्त द्वारा बहुमूल्य कपड़े का चिवे बनाए जाने
के प्रकरण का वृत्तांत तथागत को बताया। तथागत ने चिविर के महत्व को समझाया, उसको धारण करने वाले के चरित्र के बारे में बताया। दुनिया में चरित्र ही तो सब कुछ है, नीति के अनुकूल आचरण करना चाहिए, धम्म के प्रकाश में विचरण करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए, चित्त को आसवों से रहित कर देना चाहिए। मन का मैल धुला है जिसका, वही पात्र है चिविर धारण करने का, कासाय पहनने का, भगवा पहनने का। वे बोले, अनिकत सावो पातावम यो वत्थम परिदहम दहेसति अपेतो दम सच्चेन न सुसाव मरहित। जो चित्त मलोक को हटाए बिना कासाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से हीन कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। एक और है, एक और है। योचो वंत कसा वस्त्र तिले शुष्कु समाहितो उपे तो दम सच्चेन नसो वे कासाव मर रहित। जिसने चित्त कमलों को त्याग दिया है, जो शील पर प्रतिष्ठित है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। हाँ, तो इसका ना एसेंस क्या है कि एक तो ये इसकी हिंदी तो समझ में आ गई होगी ना आपको, ये जैसे जो कसाय बताया और आसव बताया, चित्त को आसव से रहित, तो चित्त को आसव का, चित्त आसव का मतलब क्या हुआ बताओ? बीज बताया था आपने। हाँ हाँ हाँ, बीज मतलब इच्छा का, आसव मतलब बीज, उसका इच्छा का बीज हो गया। और क्या था इसमें मीनिंग? कासाय वस्त्र, जैसे ये होता है ना, मैंने किसी को ऐसा काम बोला, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली हुई, तो और मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बताती हूँ, तो आप वो चीज़ धारण करने के लायक हैं? नहीं है ना, नहीं है। तो वो जो भी मनुष्य, अब धर्म के उसमें मामले में क्या होता है कि धर्म के मामले में ये होती है चीज़ कि आपका जब तक मन, मन में इम्पोर्टेंस किसी, जैसे सारा संसार जगत टोटल इच्छा है, मतलब मटेरियल है, मटेरियल, अब मटेरियल है ना, इवन हमें किसी की याद भी आती है तो भी वो मटेरियल हुआ, क्योंकि वो उसने बॉडी ली हुई है, पाँच महाभूतों की बॉडी ली हुई है। अब जैसे एक पाँच कोई सामग्री मिलके कोई चीज़ बन जाती है, बन गई, तो इस तरीके से बन गया। अब बाकी जो अन्य, जो शून्यता का जो लेवल होता है, उसमें हम सब बराबर हैं, चैतन्य रूप में हम सब बराबर हैं, जिसकी जिसकी शरीर से लेना देना जिसको ख़त्म हो गया, तो चैतन्य लेवल पर हम सभी एक हो गए। तो उस अवस्था में आने में, अब उसमें जो मनुष्य जितना जीरो, जैसे जो मटेरियल जगत है, जिसको फिजिकल बॉडी की नीड के हिसाब से जब मनुष्य जीने लगता है कि फिजिकल नीड थी ये तो मेरी, बस इतना था, अब किसी की भी याद आई, बेचैन हुई, तो वो जो मन में जो हमारी एक्सपेक्टेशन पली, पहले इच्छा का जन्म हुआ, सीड जो हुआ आसव हो गया, तो जो आसव रहित हो गया, जो मनुष्य जो इच्छा रहित हो गया, तो वो मनुष्य अब कासाय वस्त्र, उस चीज को कहा गया कि वो सारे संसार को धारण करने की शक्ति आ जाती है उसमें। धारण कैसे करना होता है हमें, कि जब हम अपनी स्वयं की पर्सनल इच्छा से जब मुक्त हो जाते हैं, तो हम उस योग्य हो जाते हैं कि हम हर किसी चीज का भार ले सकते हैं। पर्सनल इच्छा जब मेरी नहीं रही, तो मैं आपको भी सुन सकती हूँ, मोना का भी सुन सकती हूँ, नीलम जी को भी सुन सकती हूँ, आराम से सुन सकती हूँ, जब मेरा पर्सनल अपना कुछ नहीं रह गया। अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, अब मेरे को अपने ही जो मैं बोल रही हूँ, और उस पर मैं उसके साथ में अटैच होकर मैं बोल रही हूँ कि आपको अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे, और उसको क्या लगी, मैं सबके तीनों के व्यू सिर्फ अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ जो मैंने बोला, अब तीनों के व्यू मेरे को बताओ कि क्या चीज़ है, फिर मैं जो है उसके ऊपर डिसाइड करूँगी। तो ये जो चीज़ होती है, तो वो मनुष्य धारण नहीं करने लायक जब तक वो खुद इस अवस्था में नहीं आ जाता। तो अब कासाय वस्त्र उस चीज को कहा जाता है कि जैसे आप जब तक इच्छा शून्य नहीं होते, तो तब तक आप कोई भी जो जो जगत, जैसे जो फिजिकल जो मटेरियल है ना, उसको भी धारण करने लायक नहीं हुए। धारण करने लायक वही मनुष्य होता है जो खुद परमात्मा हो जाता है, खुद परमात्मा स्वरूप हो गया, जो जो इच्छा से शून्य हो गया, वो परमात्मा की अवस्था, उसको परमात्मा की जो है डिग्री दी जाती है। आध्यात्मिकता में जो मन से अपने जीरो हो जाता है, उसको परमात्मा की डिग्री दी जाती है। अब क्या होता है कि जैसे
अब धीरूभाई, इनकी अंबानी की शादी हुई, कुछ हुई, तो अब इसमें कह रहे हैं जैसे सेलिब्रिटीज सारे आए, सब कुछ हुआ, उसने इतने का गिफ्ट करा, उतने का गिफ्ट करा, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो है इच्छा शून्य होकर उन्होंने किया। अब क्या है, हर मनुष्य की दौड़ चलती रहती है, कितना ही किसी के पास में है, लेकिन जो मनुष्य इस उस में अवस्था में नहीं चलता कि ये सब चीज़ें जो है धारण की हुई हैं, सब कुछ शरीर धारण किया है, शरीर के ऊपर की चीज़ें धारण की हैं, लेकिन मेरा जो मेरा अपना जो स्वभाव है, मैं हमेशा जो है शांति प्रदान, जैसे अब किसी को किसी के बच्चे से मिलकर शांति मिल रही है, तो अल्टीमेट हर किसी का तो विचार सुनने वाली अवस्था में आके ही शांति है ना। तो अब किसी की बच्चे से मिलके शांति हो रही है, किसी को जो है कपड़ा खरीद के शांति हो रही है, किसी को घूम के शांति हो रही है, तो अल्टीमेट कर तो हर मनुष्य एफर्ट शांति के लिए रहा है ना। तो मूल अल्टीमेटम तो वो हो गया कि मूल अल्टीमेट तो डेस्टिन प्लेस हुआ, तो वो शांति हुई। अब तो उसमें आप कितनी कितनी चीज़ों को कैसे आप जो है उसको उस तरीके से, जैसे सारा जगत धारण करके भी जब तक आपकी मन की शून्य अवस्था नहीं आई तो आपको शांति नहीं है ना। तो वो अवस्था में ये बता रहे हैं कि जब तक देवदत्त की जो स्टोरी बताई कि वो बुद्ध, वो लास्ट में भी उसके जो प्राण पखेरु हुए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो भगवान के दर्शन का प्यासा ही बना रहा। भगवान उस अवस्था का नाम है जो शांति, जिसको शांति नहीं मिली, प्यासा ही रह मर गया वो। प्यासा मर गया मतलब कि जो मटेरियल जगत में फंसा रह गया और इच्छा शून्य अवस्था में नहीं गया, तो वो परमात्मा के दर्शन का प्यासा ही रह गया, मतलब उस शांति वाली अवस्था का प्यासा ही रह गया वो मनुष्य। तो ये उसकी देवदत्त की जो है अवस्था बता रहे हैं। और उसने ना जैसे नॉलेज भी होती है, नॉलेज भी आप कितनी आप लिटरेचर पढ़ लें, कुछ भी कर लें, तो वो सारी जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके अंदर तो नहीं जा पाई ना। वो नॉलेज जो थी, नॉलेज आपको मुक्त कराने के लिए थी, लेकिन आप स्वयं तो मुक्त हुए नहीं, उस नॉलेज से भी बंध गए। तो अवस्था उसकी रही। देवदत्त उससे ज़्यादा बताते थे कि जो बुद्ध थे ना, बुद्ध के प्रवचनों से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रवचन जो है वो बोला करता था, लेकिन उसने अंदर मन में तो नहीं करा ना, तो वो निश्चल मन का तो नहीं हुआ। तो वही होता है इच्छा शून्य वाली जो अवस्था जब तक नहीं आती मनुष्य की, जिस जब तक मटेरियल में आपको चमक दिखाई दे रही है ना, वो चमक भी जबकि मेरे डालने से ही है। क्योंकि सपोज करो कि मुर्दे को तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुर्दे को थोड़ी ना दिखाई देता है, लेकिन मुझे दिखाई देता है, तो मैं देखने वाला कौन है उसमें? वो चैतन्य सबका एक ही है। तो उस अवस्था तक जब तक आप जाएंगे नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ बता रहे हैं, चित्त मलोह को जो है हटाए बिना काषाय वस्त्र जो है धारण करता है। आप कुछ भी चीज़ें धारण कर लें, जब तक चित्त का मल, मतलब जो भी मटेरियल का जो भी आपके अंदर थॉट आया है, थॉट अवस्था जो होती है वो आपकी चित्त मल हुई। और संयम और सत्य से, संयम उस अवस्था का नाम हुआ जहाँ पर संयम अपने आप आता है, जब आप अपने स्वरूप के प्रति आपको इतनी ज़्यादा लालसा रह गई कि उस शांति को मैं किसी भी कीमत पर प्राप्त कर लूँ, चाहे मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़े, इवन अपनी बॉडी भी। तो उस अवस्था की जब तक वो प्यास नहीं होती, जैसे मछली की प्यास होती है ना, मछली कहती है जब तक मैं जल में ना चली जाऊँ तो मैं मर जाऊँगी, उतनी प्यास जो है उस अवस्था के लिए होनी चाहिए कि मेरे पास में विचार शून्य अवस्था मेरी किस तरह आएगी। तो उसमें जो है संयम सत्य से हीन का शाय वस्त्र। अब उसमें क्या होता है, जैसे किसी को पैसा मिला, कमा के शांति मिल रही है, तो पैसा कमा के शांति मिल रही है तो वो गलत मीन्स भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो शांति की अवस्था थोड़ी ना प्राप्त, क्योंकि उसके साथ में जो उसने गलत मीन से जो जिगजैग जो लेना शुरू कर दिया, तो वो शांति थोड़ी ना प्राप्त होगी उसके साथ के जो, जैसे किसी ने चोरी करके पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन पुलिस तो पकड़ेगी ना उसे, तो ऐसा वाला चीज होती है। तो इस प्रकार से हम जो है कर्म बनाते हैं। और इसमें कह रहे हैं दूसरा वाला जो 10th है, इसमें ये बता रहे हैं कि जिसने चित्त मलों का त्याग कर दिया है, चित्त के मल मतलब अपने मन के अंदर के जो भी आपके भाव अभाव दोनों आते हैं, भाव भी आता है इसमें, चाहे अच्छे भी भाव हो गए उनको भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे भाव भी आपकी एनर्जी खाते रहते हैं। और शील पर जो प्रतिष्ठित है, जो संयम और सत्य से युक्त है, सत्य उस अवस्था का नाम है जहाँ पर मैं विचार शून्य अवस्था में आती हूँ, कि जिसमें मैं बॉडी से आइडेंटिफिकेशन नहीं करती अपना, ये अवस्था होती है। तो नीलम जी और क्या कहते हैं इसका मोना जी, तो ये पेज नंबर 21 वाला हमने पढ़ा है अभी, 2021 9th और 10th स्टोरी पढ़ी है। तो इसको स्टोरी को तो आप बाद में पढ़ना, एक बार अनामिका जी ने भी पढ़ी है तो ये जरा थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगी इसके बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अनामिका जी अब आप बोल लीजिए इसके बारे में, फिर उनसे पूछते हैं। इसमें सईदा जी मुझे एक चीज पूछो, था मतलब कि वो उसके मतलब कि लाइक उसके मन में लाइक मतलब कि ये लालसा जाग गई थी क्या कि मतलब ये बहुत अच्छा है, मैं इसे पहनकर घूमूंगा इस टाइप से? नहीं, वो पता क्या था, जैसे त्याग के तो आ गया वो भी,
त्याग कर आ गया। अब हाँ उसमें कोई, अब जिसने भी वो किया ना, क्या कहते हैं, ये जो देने आया था, वो सबसे पहले तो गलती ही उसी की थी। गलती उसकी ये थी कि जो मनुष्य मुक्त अवस्था में नहीं पहुंचा, तो चीवर धारण करने लायक तो था ही नहीं वो। तो ये अंधापन तो होता है ना लोगों में। अब कोई, मैं आपके अच्छे अच्छे वचनों से करके मैं आपको कोई चीज जो है सामग्री प्रदान कर देती हूँ और आप उस लायक नहीं हैं, तो वो तो गलती किसकी हुई है? गलती तो उसकी हुई है ना जिसने करी है। वैसे देखा जाए तो देवदत्त की गलती नहीं है इसमें। देवदत्त तो धारण करने लायक ही नहीं था, तो उसको तो दिया नहीं जाना चाहिए था ना। हम कोई भी वस्तु किसी को कोई देते हैं तो जरूरी नहीं है ना, जब एक वस्तु की वैल्यू नहीं है। मैंने आपको हीरा भी दे दिया, आपकी नज़र में हीरे नहीं, आप हीरों में खुद ही तुली पड़ी हैं, तो फिर आपके लिए वैल्यू नहीं है ना उस चीज़ की। आपकी 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 नज़र में वैल्यू किस चीज़ की है? मैं वो चीज़ दूंगी तो आपको आपको ठीक है ना, आपके लिए, आप उसको ढंग से जो है यूज़ कर पाएंगी, उसको सब कुछ कर पाएंगी। अब वो जो जब उस धारण करने लायक नहीं था, तो वो चीज़ की आंख, तो ये जो है ना बेहोशी का कर्म जो हम इस तरीके से कर देते हैं, जैसे कोई बड़ाई की अप्रिशिएट करने लायक नहीं है कोई भी मनुष्य, लेकिन हम उसके बाहर सुपरफिशियल जो चीज़ें हैं उनको देखकर हम जो है वैल्यू उसकी लगा बैठते हैं और उसको वो सम्मान देने लगते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, ईगो को बढ़ाते हैं ना। तो ईगो को बढ़ाना और घटाना क्या चीज़ हुई? आपने वो सम्मान दे दिया जो जो उसके लायक नहीं थे, तो एक तरीके से देवदत्त तो उस सम्मान के लायक नहीं था ना। मतलब उसमें सारी ना सेल्फ पर आ जाती है यात्रा, सारी ये टोटल आती सेल्फ पर ही है। देवदत्त के साथ तो पंगा शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही होता था, दोनों इकट्ठे पले बड़े ना। ये इसकी देवर जेठानी का जो वो था घर में, वो लड़का था ना उसका, तो वो हमेशा जो बुद्ध बुद्ध बनने वाले थे राजा, तो वो उसमें जो है देवदत्त हमेशा ही ईर्ष्या में, उसकी जो मदर थी वो ईर्ष्या में जलती रही हमेशा। तो वो देवदत्त के अंदर भी सीड वही वाले डालती रही कि जो है ये मेरे बेटे को जो है राज बनाया जाए। तो इस प्रकार से वो अंदर से ना जेलेसी वाले ईर्ष्या वाले एनवायरनमेंट में ही पला बड़ा, और वो चीज़ उसकी ना पक्की होती चली गई। तो उसने ना वहां पर भी जाके कंपटीशन करना शुरू कर दिया एक तरीके से। तो बुद्ध तो छोड़ के चल दिए थे वो, और बुद्ध का भी ये कारण माना जाए ना कि वो जो है पुराने जन्मों से ऐसा था वैसा था, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक तो शुद्धोदन थे कि उनको जो शुरू में प्रतिज्ञा, वो जो आए थे मुनि, तो उन्होंने बोला कि ये राज छोड़ देंगे, तो राज छोड़ देंगे तो ये चीज बताई, तो सब चीजें जो खराब वाली थी वो पहले से उनकी आंखों से दूर कर दी जाती थी। तो एक एटमोसफियर जो एक बच्चे के इनोसेंट माइंड पर, जो देखते देखते हम बड़े होते हैं तो हम पक्के होते चले जाते हैं ना सिचुएशन को देख देख के। तो उन्होंने ना कभी ना तो सूखा पत्ता ही देखा, ना वैसा देखा, इस तरीके के मरीज देखे, सब बूढ़ों को बाहर कर दिया जाता था। तो शुद्धोदन भी तो उस चीज में शामिल था ना कि बूढ़े और सारे चीजों से जब तक हम गुजरते नहीं हैं तो हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती ना। तो वो पहली बार ही उन्होंने देखा तो उनके मन को धक्का लगा इस चीज का। तो ऐसे वाले एनवायरनमेंट तैयार कर दिया ना उन्होंने, शुद्धोदन ने तैयार कर दिया ये वाली चीज का। तो ऐसा जो चीज को, और फिर जो देवदत्त का जो इस प्रकार की जो हरकतें थी, इवन जो देवदत्त की मदर थी ना, तो उन्होंने मिस कैरेज कराने की भी कोशिश 2-3 बार की है कि उसके कोई बच्चा ही ना पैदा हो। तो इस प्रकार माँ जो है जलन से भरी हुई थी। तो ऐसी जो परिस्थितियों में इंसान पलता बढ़ता है ना, तो कहता है किस चीज़ के लिए ये करा रहा, तो अपने आप से क्वेश्चन तो करता ही है ना। तो ये मनस्थिति की ही टोटल बात है। तो फिर वो बोले कि ये सब जो चीज़ें इस तरीके से जो संसार में घटती हैं, तो मतलब ऐसा वाला कौन सी चीज़ है जिसमें मैं इन चीज़ों से पार हो जाऊं, जब इतना ही है, जब मृत्यु निश्चित है, जब बुढ़ापा भी निश्चित है, तो फिर मैं कैसे पार हो जाऊं? तो इस प्रकार से कोमल हृदय जो इंसान अपने आप से क्वेश्चन करता ना, तो तब वो आ जाता है इस तरीके से रास्ते पे। आप हम भी देखें जैसे खुद भी, तो अपना जो भी हम परिवार में रहते हैं, अब किसी की बात हमें पहले ज़्यादा खटकती थी, कुछ होता था, तो धीरे धीरे मनुष्य का मन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है ना कि ये तो चीज़ें होंगी संसार में, किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है, तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी ही। तो एक्सेप्टेबिलिटी में आके धीरे धीरे मन अपना शांत होता जाता है। हम कर तो शांत अपने आप ही कर सकते हैं ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता शांत। मन पे काम आपको खुद ही करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो ये अवस्था आती है, तो धीरे धीरे जो जितना अंदर से गहराई में जाके बिल्कुल शांत हो जाता है ना, तो कहते हैं सागर से मर्ज हो गया, वो जो लहरें थी जो उसकी पहले हरकत उसमें आती थी, तो वो जो है शांत होती चली जाती है धीरे धीरे। तो शांति जो है ना इस प्रकार से होती है कि मैं जब अटूट शांति से अपने जुड़ जाती हूँ ना, तो मुझे वो शांति हर कीमत पर प्रिय होती है, तो मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ पाती हूँ। किसी ने मुझे गाली दी, कुछ करा, तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को शांति इतनी ज़्यादा प्रिय है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तो मैं कहती हूँ चल दे दी तो दे दी, क्या फ़र्क पड़ता है, मुँह से ही तो बोली है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके इंसान छोड़ता चला जाता है।
ऐसा होता है। तो जैसे यही है चीज, मतलब मैं ना, मेरे मेरा भी थोड़ा एरोगेंस वाला थोड़ा स्वभाव है, जैसे मैं थोड़ा बोलती ऐसे हूँ, तो मुझे ना ये इतनी बेकार लगती हैं चीज़ें कि कोई भी मनुष्य इस तरीके की सांसारिक चीज़ों को लेके जैसे वो बनाता है ना, कोई इश्यूज बनाता है, तो ऐसे लगता है ये चीज़ पकड़ने लायक ही क्या चीज़ है, किसी ने कह दिया कह दिया, आप अपने आप में माइंड में अपने उसमें रहो ना। तो ये चीज़ मुझे ना मतलब डाइजेस्ट नहीं होती। तो फिर भी ये लगा कि नहीं, ये पाथ ही यही वाला पाथ पे जब जाना ही है, हर हर चेतना की जर्नी यही है, तो यही चीज़ क्यों नहीं पकड़ी जाए। तो जहाँ पर लोग फंसे पड़े रहते हैं, तो अपने ऊपर ही काम करना होता है इसमें, है ना। चलो ये बस अपने अंदर ही डुबकी मार के ही सोल्यूशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। और दूसरा ना कोई गाइड भी नहीं कर सकता। हाँ क्या कह रहे हो। खुद ही करना पड़ेगा, मतलब हमारा मन हमें खुद ही शांत करना पड़ेगा, हमें बार जैसे बार को दृष्टा भाव में ही हाँ, रहना है हमें। ये दृष्टा भाव साक्षी भाव हमको ना लगता है जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। आप देखिए कि आपका ना किसी खाने से, किसी भी चीज से आपका मन भरता चला जाता है धीरे धीरे। मन को ऑब्जर्व करें कि उसमें धीरे धीरे मन भरता चला गया। तो आप पहले तो जैसे आपको क्रेविंग थी कि आप 4 पीस पिज्जा के खाएं, और आपको इतना मन भर गया, इतना मन भर गया, और 4 लोग किसी और ने ले लिया, आपको पूछा भी नहीं, तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा आपका, क्योंकि इतना मन भरा है कि आपका देखने का भी मन नहीं है। तो साक्षी अवस्था वही तो होती है। साक्षी अवस्था वही है कि जिसमें मेरा देखने का भी नहीं है जी, मेरे को बिल्कुल अपने आप में ही, मेरे को आनंद में मैं रहती हूँ हमेशा, तो वो मेरे को देखने का भी जी नहीं है। तो वो अवस्था आपकी साक्षी अवस्था हुई ना। कि तो आप क्या होगा कि आप पूरी तरीके से, जब आपका कुछ भी मन की आपकी वो नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगी, आप जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो कहते हैं साक्षी ही जो है वो निर्णय कर सकता है कि कौन गलत कौन सही। तो वो चीज़ जो होती है अवस्था, जो जजमेंट वाली जो अवस्था आती है, वो आती है हमारी साक्षी वाली कैटेगरी में। जब तक हमें संसारिक चीज़ में कोई आ रहा है, तो हमारी कंप्लेंट्स बनी रहेंगी। और जैसे ही हमारे अंदर संसार के प्रति, हर चीज़ के प्रति आपका मन भर गया, अब मन के भरने की अवस्था आपकी आ गई है, और फिर वो जो है अपने आप ही, साक्षी का जन्म ही तब होता है जब संसार विलय हो जाता है, बिल्कुल लय हो जाता है उसमें, तब आता है साक्षी जन्म ही, वो तब होता है। अभी तो हम ना वो उस वाले कैटेगरी में आए हुए हैं, कोई चीज़ हमें कभी लग गई, कोई चोट किसी चीज़ से लग गई, कोई सी चीज़ से ज़्यादा हार्मोन बनने लग गए कि खुशी वाली अवस्था आ गई। तो ये दोनों अवस्था में अभी तराजू वाली अवस्था चलती है, उसमें हम बैलेंस करते हैं। लेकिन ना एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें बैलेंस भी करना नहीं पड़ता, आप सहज अवस्था में ही रहने लगते हैं। तो उस वो अवस्था सहज समाधि की होती है। सहज समाधि मतलब समाधान हो गया, कि मटेरियल उसमें आपका लेना देना नहीं रह गया, बस एक जो आपको जो चाहिए जो चाहिए। तो उसमें आप कुछ भी जो धारण करते हैं, आपने 1 लाख की साड़ी भी पहनी है, तो आपके अंदर ऐसा नहीं बनेगा कि मैंने 1 लाख की पहन ली, कुछ ऐसा नहीं बनेगा। आप जो है उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल और धरातल, और ब्यूटी जो है आपके अंदर से झलक झलक के मारेगी, निकल निकल के। क्योंकि क्या हो गया, आपके जो हाव भाव और सब जो बनते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज जो बनती है और फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, तो आपके अंदर वो अहंकार वाले नहीं आते, आत्मा वाले आते हैं, आत्म प्रतिष्ठित वाले व्यक्ति के अंदर जो आते हैं ना, वो चीज़ होती है। वो एक सौम्यता, शीतलता, वो इंसान दूसरे को ठंडक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई भी ईगो से रिलेटेड नहीं बनते कि मैंने पहन लिया ये चीज़, अब ईगो में वो आ गई। चलो अभी इनसे पूछते हैं। हाँ जी नीलम जी, मोना मोना जी, आप बोलो पहले, क्या समझे, क्या समझ में आया। मुझे समझ तो बहुत कुछ आया जो आपने बताया ना, वो साक्षी भाव का, और भी वो मतलब धीरे धीरे मन ठहरने लग जाता है, और ये मुश्किल नहीं होता आपने बताया, भी लगता है कि मुश्किल है ये काम, मुश्किल है, लेकिन अगर मन में ठान लो तो फिर ये मतलब पॉसिबल हो जाता है। ये सारी चीजें समझ में आई हैं। मुझे एक मेरे मन में क्वेश्चन था कि अकेलेपन को एकांत में कैसे वो करें अच्छा कन्वर्ट, वो हाँ उसमें मैं थोड़ा सा उलझी हुई हूँ बस। हाँ नहीं, वो अवस्था अभी इससे नीलम जी से पूछते हैं। हाँ जी नीलम जी, जरा आप हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सबको, बहुत बहुत ब्लेसिंग। मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो मैंने सुना नहीं, पर ये सुना है कि इस संसार से मन भर जाता है तो आप अपने आप ही साक्षी भाव में। संसार से मन कुछ ज्ञान से भरता है और कुछ एक्सपीरियंस से भरता है, तो आपको चोट लगती जाती समझ आ, एक्सपीरियंस से अनुभव आपको पता चलता जाता है, चोट ही नहीं मतलब हर तरह से, तो
हर तरह के अनुभव होते जाते हैं तो आपको संसार की समझ आने लगती है, और कुछ ज्ञान से, ज्ञान में आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने पड़े कि आपको एक समस्या आई तो आपने उसको कैसे करते हो, अभ्यास करते ज्ञान को अप्लाई करते हो। ज्ञान मतलब आप सोचो कि अब मुझे गुस्सा वैसे बहुत, पहले भी बहुत कम आता था, कुछ किए भगवत गीता करते करते वैसे ही गुस्सा बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, शांति से मैं हैंडल कर लूँगी, पर जब आता है तो बड़ी जल्दी उतर भी जाता है। ये सारी चीज़ें अभ्यास की बातें होती हैं। अब अभ्यास ये लगाते हैं कि प्रैक्टिकल बात ये सोचो कि गुस्सा करोगे तो अपना, पहले आपका अपना शरीर कपेगा, आपका अपनी आंखें जलेंगी अपनी, वो प्रैक्टिकल बात। ज्ञान की बात ये है कि वो आप ही अपने दुश्मन हैं और आप ही अपने शत्रु हैं, वो गीता का नहीं है, आपने कुछ ऐसा करा होगा तो आपको मिला है, वो अप्लाई कर। उससे भी नहीं समझ आता तो एक प्रैक्टिकल टिप होता है, उठ के यहाँ से दूसरे उस सिचुएशन से अलग हो जाओ, थोड़ी देर में कहीं अच्छी तरह आपका ध्यान लग ही जाएगा, क्योंकि दुनिया में अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी तरह ध्यान लगेगा तो आपका क्रोध। तो संसार से निकलने के लिए तो भक्ति, युक्ति, ज्ञान, अनुभव, बहुत कुछ लगा के आपको संसार से अलग हो पाता, यही समझ आया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये जो कह रही हैं ना आप कि थोड़ी सी देर में युक्ति और वो सब लगा के भी आप अपना वो करें, तो वही है मोना, ये जो एकांत वाली जो अवस्था बताई ना, तो अभी तुम्हारी ना अकेलापन वाली अवस्था है। अकेलापन में हमें याद सताती है किसी की भी, जिनके साथ में हम जुड़े होते हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाए या पास में ज़्यादा रहते हैं तो भी हम उनसे जो है परेशान होते हैं कई बार, क्योंकि क्या है अभी हम सबके विचारों से, सबकी बातों से, इस तरीके से हम जुड़े होते हैं, अभी हमने अपना भीतर का एकांत नहीं पाया, अपने आप से मुलाकात नहीं हुई, जैसे ईगो की मुलाकात अपने रियल सेल्फ से नहीं हुई। तो रियल सेल्फ ही मैं हूँ, रियल सेल्फ में जाके कन्वर्ट होना है आपको। अब बॉडी से जो जुड़े हुए जो रिश्ते और ये सब जो नाते हैं, ये सब एक टाइम पास ही समझ लीजिए, टाइम पास ही है। अब उसमें मन जो है हमारा जुड़ गया, कुछ लोग हमने अपने मान लिए, अब हम उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं कि वो हम हमारे साथ में रहें, अब उनकी भी अपनी वो है यात्रा, सब सभी उस पे धरती पे उतरे हुए हैं अपनी खेलने कूदने के लिए, जैसे कहते हैं आत्माएं उतरी हुई हैं खेलने कूदने के लिए, अब वो खेल के साथ में ही अटैच हो गए कि तू तो मेरे साथ में ज़बरदस्ती खेल, अब दूसरे का इंटरेस्ट नहीं, दूसरे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है, लिखाई में है, जैसे अपने बच्चे भी होते हैं तो उसमें भी बच्चे दूर चले जाते हैं तो हम उनका इंटरेस्ट क्या है पढ़ाई में, वो 24 घंटे तो साथ रह नहीं सकता कोई भी, इवन अपनी जब बॉडी नहीं रहती साथ में तो दूसरे लोगों से तो हमारा नहीं है। तो अपना रियल सेल्फ क्या चीज़ है, बार 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 अपनी परम शांति मौन अवस्था में आपको आना पड़ेगा। अब उसमें जो नीलम जी ने जो ये उपचार बताया ना, तो नीलम जी वाला उपचार ही करना पड़ेगा कि उसमें जब तक आपका माइंड दूसरे लोगों में जाके अच्छा महसूस करता था या बुरा महसूस करता था, तो उस चीज़ से हटने के लिए आप अपने जीवन में देखिए कि आपको मज़ा किस चीज़ को में आता है टाइम पास करने में, तो जिसमें भी मज़ा आता है उस चीज़ में, उस चीज़ को पकड़िए, उठाइए, और जो आपके उस पे भीतर में मतलब कोई दूसरे विचार ना पैदा करे, जैसे कोई भी जो सेल्फ वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना जिसमें आप पूरी तरह से डूब सकती हैं, जो इंटरेस्ट की है आपकी, तो वो चीज़ अपनी खुद सर्च करनी पड़ती है कि आपका आपका स्वभाव और वो, जैसे मैं तो नॉलेज ही पढ़ती हूँ, मेरे पास खाली समय होता है तो मेरा घर के काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ज़रा सा भी, ये नहीं कि घर के काम में मैं उठा लूँगी या कुछ कर लूँगी या समाज सेवा कर लूँगी, बिल्कुल भी नहीं है मेरा अपना फिजिकल वाली, मेरे को नीचे चीज़ों में मेरे को लेबर करने में मेरे को मज़ा आता ही नहीं है, शुरू से ही नहीं आता। तो मैंने अपना तो ये बनाया हुआ है कि अब ज्ञान के उस वाले उस पर हो गया, क्लैरिटी मेरे को पूरी है, लेकिन उसमें समय अब है, समय कई बार खाने को आता है कि समय कैसे पास होएगा, तो अब उसमें क्या हो गया, स्व जो आनंद है स्वयं की शांत अवस्था पे आपने उस चीज़ को फील कर लिया, टच कर लिया, अब जो भी कोई चीज़ आ रही है या समय जो बन रहा है ज़्यादा, तो उसमें कोई बुक्स पढ़ के कर लिया, वैसे तो ये सब चीज़ें जो क्या होता है, ये सब समझ लीजिए एक हैंडीकैप का वो है, एक एक उसको सहारा देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपका स्वयं का जो है वो रस बिल्कुल अपना अनंत एकांत वाली जो अवस्था है वो बिना किसी चीज़ के भी आनी चाहिए, वो अल्टीमेट अवस्था होती है, तो उसमें आप निर्भर नहीं हो ना, आप मोबाइल पे, मोबाइल ख़राब हो गया तो आप उसके लिए बेचैन होंगे,
कोई मनुष्य चला गया तो उसके लिए बेचैन होंगे, तो वो अवस्था आनी चाहिए। लेकिन जब तक नहीं आती वो अवस्था, तो ऐसा ही कोई चीज़ पकड़नी पड़ती है। क्या है, जैसे एनर्जी बनी आपके अंदर, एनर्जी बनी उतनी देर, ऐसा नहीं है परमानेंट पूरे दिन वही एनर्जी लेवल रहता है। थोड़ी सी जो एनर्जी बनी तो उस एनर्जी को उसमें लगा लीजिए कि आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में भी। और ये भी नहीं करके करिए कि अच्छा है बुरा है, चाहे पेंटिंग बनाने में है, चाहे कोई डांस करने में है, कोई बुक पढ़ने में है, या कोई घर का ही काम करने में, झाड़ू लगाने में है, साड़ियों की तय करने में है, कुछ भी करने में। तो इस प्रकार से लगा के आप जो है स्वयं को भूल जाते हैं। और बाकी म्यूज़िक होता है, एक म्यूज़िक में भी कर सकते हो। तो बाकी दूसरे जो उनकी जो याद में भी है, तो उनमें जो है दूसरे के उसमें जाकर और हर वक्त उन पर डिपेंडेंसी होती है, तो वो तो नहीं बनती है बात। तो वो अवस्था जो है, बस कोई ना कोई चीज़ जो है लक्ष्य या कोई चीज़ पकड़नी पड़ती है हमें संसार की। लेकिन वो पकड़ना भी ये ना हो कि वो पकड़ के भी फिर मैंने फिर दोबारा अपने लिए वो बना लिया, एक मतलब हाँ मतलब वो अवस्था सिर्फ मैंने टाइम पास के लिए ही बनाई है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसमें भी नहीं फंसना कि मेरे को कोई बढ़ाई दे दे उस चीज़ की, कि मैं तो डांस ही बहुत अच्छा करने लग गई या मैं एक्सरसाइज ही बहुत बढ़िया करने लग गई, ऐसा नहीं। मतलब उस चीज़ को भी अपने गले की घंटी नहीं बनानी है, वो निष्काम वाली अवस्था होनी चाहिए। तो आ गई होगी समझ में मेरे ख्याल से, मोना बोलो। हाँ जी आ गई समझ में। मतलब किसी के साथ हमें पकड़ के नहीं रखना, अगर किसी को हमने किसी चीज का हमने यूज किया अपने मन के लिए वो, तो मतलब ऐसे नहीं कि फिर उसके बिना भी मेरा मन शांत नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। जैसे तुमने डांस क्लासेस जैसे तुमने ज्वाइन की, ठीक है, अब वहाँ ज्वाइन की तो वहाँ पर चार लेडीज और भी ली या और कोई मिला, तो वहाँ से और खराब बातों को उठा के ले आई कि तुमने तो पैर ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, या फिर उनकी जो वो होती है ना पॉम्प एंड शो वाला थोड़ा सा जमाना होता है आजकल की, वो ड्रेसेस में ही लग गए, आपस में कंपटीशन में लग गए। तो ये ना हो कि मतलब एक चीज़ से छूटने में और दूसरी चीज़ का गले में हार दूसरा टांग के लेके आ गए। हाँ तो वो चीज़ें जो है वो मतलब एक जागृत मनुष्य को इस अवस्था में रहना है कि हर वक्त मेरे को अपना मौन अवस्था में जाने के लिए मेरे को और विचारों में नहीं उलझना है। तो ये होता ना जैसे अब देवदत्त जैसा वो था, वो निकला था तो उसका लक्ष्य वही नहीं था, उसका लक्ष्य बुद्ध को नीचे दिखाना था, नीचा दिखाना था। तो लक्ष्य जैसा तुमने रखा है तो वही चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो बौद्धत्व वाली जो अवस्था थी उसमें लिखा था ना भगवान के दर्शन का प्यासा ही बना रह गया वो, तो वो दर्शन उसको कैसे मिलेंगे। दर्शन अवस्था मतलब भगवान के फिजिकल दर्शन की बात नहीं है, आंतरिक दर्शन मतलब आंतरिक मौन को प्राप्त नहीं किया वो। तो मौन कैसे प्राप्त होगी जब आप दुनिया की दौड़ में ही पड़े हो, कि उसमें बुद्धत्व में भी आप कंपटीशन में आ गए, तो फिर वो तो खत्म हो गई ना कहानी, चैप्टर ही खत्म हो जाता। तो ये अवस्था हमारे साथ में भी होती है। अभी सपोज कीजिए कि मुझे ही कोई बोल दे कि जो है आप तो बिल्कुल बेकार बोलते हो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता आपके उसमें, और मैं इसी चीज़ में उलझ के और जो है मैं कहूँ कि जो है मैं तो ये करा था वो करा था, तो मैं अंदर अपने विचार बना लूँ, तो ये सेशन क्या हुआ मेरे लिए? मेरे लिए नरक हो गया ना। मैंने पकड़ा तो इसके लिए कि मेरे को जो है समय मिला हुआ है, तो मैं ऐसा वाला जो चीज़ है सबको निकालूँ उस चीज़ से, उसको उनको निकालने की बजाय मैं खुद उसमें फंस गई। ऐसा हो जाता है ना, जैसे गुरु भी तो गिर जाते हैं ना, गुरु अपनी अवस्था से भी गिर जाता है। तो ऐसी वाली अवस्था हम इसमें आध्यात्मिकता में भी कर लेते हैं। कॉम्पिटिशन में जैसे ही आप आओगे तो वहाँ जो है दिक्कत में आ ही जाओगे, एक्सपेक्टेशन में आओगे, कॉम्पिटिशन में आओगे तो दिक्कत में आओगी, तो वो आपका चैन हराम हो जाता है। और ऐसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं कि जैसे वो उसकी यूनिवर्सिटी में गया, वो हार्वर्ड में गया, वो उसमें गया, तो अब हम ऐसे कंपैरिजन में चले जाएं तो कहीं शांति थोड़ी ना आए। जैसे जिसकी बच्चे की सामर्थ्य होगी वो उस हिसाब से कर लेगा, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत गाइडेंस कर सकते हो, लेकिन हर वक्त जो है ना ड्रीम और उसमें जो जीना होता है ना, ड्रीम वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता, ये अवस्था है। तो जो बाहरी तौर की जो चीज़ कर रहे हो उसमें आंतरिक तौर पर शांति मुझे किस चीज़ मिले, हमेशा इस तरीके से तोलना बनता है। हाँ जी अनामिका जी बोलिए आप, चलो फिर बोल के फिर खत्म करते हैं, बस टाइम ही हो गया वैसे तो। हाँ जी सरिता जी कुछ नहीं बोलना, मतलब सब समझ में आ रहा अच्छे से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन बहुत तसल्ली से और शांति से हुआ, क्योंकि एक लाइन और ऐड करूं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे सुंदर मौका होता है जब आप किसी भी तरह से, चाहे किसी की बात सुन के या किसी के लिए छोटा सा भी काम करके किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, सबसे सुंदर मोमेंट किसी भी तरह का, किसी भी तरह। ये तो जो आपने जो ये फील किया ना नीलम जी,
ये जो आपने फील किया, जिस मनुष्य ने ये टेस्ट कर लिया वो कभी कर ही नहीं सकता। और वो क्या है, जगत हित ही तो अपना हित है ना, अपना हित कैसे होगा, जगत हित ही तो अपना हित हुआ। उसी के साथ लग जाओ तो सारा जगत। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। मैंने तो ये टेस्ट की हुई है, मतलब जैसे कभी भी बनाते हैं ना, तो मैंने कभी खुद खाने में इतना एंजॉय नहीं करा जितना खिलाने में एंजॉय किया। तो वो जो जिसने वो टेस्ट कर लिया ना, तो वो तो टेस्ट ना ना तो किसी को बताया जा सकता ना कुछ, ऐसे हार्मोन बनते हैं जबरदस्त, बढ़िया बनता है बिल्कुल। और फिर क्या होता है, आप दूसरे के लिए तो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए ही होता है कर्म। परफेक्ट है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया चीज़ बोली आपने, अपने लिए बढ़िया अरे है आनंद आपको अपने। बहुत ही। वो कहते हैं ना जैसे गुस्सा जो अपने को खराब करता है, ऐसे ही है आनंद अपने आप को, सबसे पहले वो खुद को शीतल करता है। तो वही काम करें जो खुद को शीतल करें ना, तो दूसरे के बाद में आता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।